शाम का जो समय है वो हमें बहुत केयरफुली स्पेंड करना चाहिए। जैसे ही शाम होती है तो सबसे पहले तो ये समस्या हो जाती है कि कुछ लोगों को 4 और 5 बजे के बीच में बहुत तेज़ भूख लगती है, और जब बहुत तेज़ भूख लगती है सो दे एंड अप ईटिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी, जैसे चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिया। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जब हमें शाम को भूख लगे तो उस वक्त या तो हमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जूस का सेवन करना चाहिए, आप मखाने का सेवन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है आधी रोटी ले ली और उसके साथ गुड़ का सेवन कर लिया, इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। तो शाम को क्योंकि हम बिल्कुल थक जाते हैं तो हमारे ऊर्जा जो है ऊर्जा का हनन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कुछ मीठा स्नैक लें, जैसे गुड़ हो गया, जैसे खजूर हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब शाम के जो दिनचर्या है उसमें हमें एक नियम ज़रूर अपनाना चाहिए, जो लोग विशेष रूप से दफ्तर जाने वाले लोग हैं, कि 5 बजे के बाद हम मोबाइल फ़ोन को साइड रखते हैं, और 5 बजे तक तो दफ्तर का काम किया, अब हम परिवार के साथ समय बिताएं, अब हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अब हम अपने परिवारजनों के साथ समय बिताएं। क्योंकि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पत्नी बात कर रही है या पति बात कर रहे हैं या बच्चा बात कर रहा है और हम जो है उस डिवाइस में लगे हुए हैं। फिर जब बच्चे हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम उन्हें कहते हैं आप मैनर्स नहीं हैं, आपको आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन वो बच्चे ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? बच्चे कोई बाहर की दुनिया से थोड़े ना सीख रहे हैं, वो तो जो आपको करते हुए देखेंगे वही वो करेंगे। तो ये एक नियम कि हम 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद अपना मोबाइल फ़ोन साइड रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। और जब परिवार के साथ समय बिताएं तो क्या हो गया, अच्छा मोबाइल फ़ोन साइड रख दिया, परिवार के साथ समय भी हम टेलीविज़न ही देख रहे हैं, यानी वहाँ भी गैजेट ही है, उसको परिवार के साथ का समय नहीं माना जाएगा। कैसा परिवार के साथ का समय? हम शाम की प्रार्थना साथ में करें, शाम का योगाभ्यास पूरा परिवार साथ में करें। कितना अच्छा हो अगर ये एक नियम भी हम अपना लें कि शाम को योगाभ्यास पूरा परिवार साथ में करेगा। अधिक नहीं आता, हमारे बहुत सारे वीडियोस भारत योगा यूट्यूब चैनल पर, भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर हैं, उनको ही देख करके फॉलो कर लिया। और कुछ भी नहीं आता तो हमने चंद्र नमस्कार का ध्यान कर लिया, वो भी नहीं आता तो हमने पवन मुक्त क्रियाओं का ध्यान अभ्यास कर लिया, प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, जाप कर लिया, प्रार्थना कर ली। 45 मिनट्स तो आप अपने परिवार के साथ व्यतीत कर ही सकते हो, वो भी सत्कर्म में, ना कि वेस्ट ऑफ टाइम। ये हम करें। फिर थोड़ा हमें 7 बजे तक आहार ले लेना चाहिए, 7 बजे तक रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। रात्रि का भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 7 बजे तक भोजन कर लें और हमारा भोजन लाइट हो। और फिर उसके बाद 20 मिनट का वॉक हमें शाम को भी अवश्य करना चाहिए। डिनर के उपरांत हमें 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करनी चाहिए, और रात्रि में 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कर रहे हैं तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर अंदर हमें सो जाना चाहिए, लेकिन 12 बजे तक हम जगे रहते हैं, 12 तो हाँ 3-3 बजे तक जगे रहते हैं। फिर चाहे हम एक्सक्यूज़ दें कि हम काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, कोई भी कार्य जीवन में आपके स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ जीवन में आपके स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं हो सकती है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी वो कार्य भी चलते रहेंगे, वरना तो फिर जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देंगे। हम सोच रहे हैं बहुत बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, उसको आप भोग भी नहीं पाएंगे जो आउटपुट है। तो उसके लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, और सोने से पहले हमें थोड़ा बेड टाइम स्ट्रेचेस करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्रणव उच्चारण करना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास, और वो भी इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैंने पूरा दिन क्या क्या किया, पूरा दिन मेरे मन में कितनी बार इच्छाओं ने जन्म लिया, पूरा दिन मैंने कितनी बार किसी को ठेस पहुंचाई, पूरा दिन मैंने कितनी बार झूठ बोला, पूरा दिन मेरे भीतर कितनी बार स्वार्थ जागृत हुआ। ये सब हमें देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही हमें जज करके बताता रहेगा, हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन अवश्य करना चाहिए। इसको हम आत्मदर्शन ध्यान कहते हैं, यानी बैठे भ्रू मध्य पर ध्यान लेकर के आए और जैसे एक पूरी की पूरी फिल्म देखते हैं, ऐसे पूरे दिन की फिल्म हमने यहाँ पर देख ली कि मैंने पूरा दिन क्या किया।
और फिर ऐसे सो जाना चाहिए जैसे परमात्मा की गोद में हम सो गए, जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है निश्चिंत होकर के, ऐसे निश्चिंत होकर के हमें सो जाना चाहिए। और फिर अगले दिन वही दिनचर्या जो हमने बताई, सुबह से हमारी दिनचर्या आरंभ हो जानी चाहिए। ये बहुत सरल सी दिनचर्या यदि आप अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और ये प्रश्न फिर नहीं आएगा कि अरे मैं टाइम मैनेज कैसे करूँ, मेरा रूटीन कैसा हो, मेरी दिनचर्या कैसी हो। हाँ, ऐसे लोग होते हैं कि उनकी वर्किंग सिचुएशंस डिफरेंट है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ अलग तरह का उनका काम है, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, कभी हम उस पर बात करेंगे। बट अभी एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो ये है, और इसका पालन हम सबको करना चाहिए। दिन में 3-4 बार दिल खोल करके हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा का दिया ये जीवन हमें सार्थक रूप से व्यतीत करना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है।